नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि हमारे किसी व्यूअर ने हमसे पूछा था। तो देखिए, हमारे व्यूअर ने एक क्वेश्चन हमसे पूछा कि क्या हम दो विषयों में नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी कि हम दो विषयों से पीजी हैं, और क्या हम दो विषयों से यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में फॉर्म डाल सकते हैं, और फॉर्म अगर डाल सकते हैं तो क्या हमें एग्ज़ाम भी देने को मिलेगा। तो देखिए, अभी तक जो नॉर्म्स हैं यूजीसी के अकॉर्डिंग, अभी आप दो विषयों में अप्लीकेबल नहीं होंगे नेट में एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, हो सकता है आपको किसी भी विषय में एग्ज़ाम देने को नहीं दिया जाए। तो इसलिए आप लोग जान लीजिए कि आप लोग एक ही सब्जेक्ट में अप्लीकेबल होंगे फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो एक सब्जेक्ट में आप इस साल अगर एग्ज़ाम में अप्लीकेबल होते हैं, तो अगर दूसरे सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना है तो फिर नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आएगा उसमें हम दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हैं। लेकिन एक साथ दोनों विषयों में आप सब्जेक्ट से एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, भले आपका CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भले अलग अलग डेज हो, या भले अलग अलग मॉर्निंग या इवनिंग के शिफ्ट में हो, लेकिन आपको एग्ज़ाम जो देने का नहीं मिलेगा मौका, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट्स में आप सिर्फ अप्लीकेबल होंगे। तो चलिए, इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।